गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक अच्छी सी स्माइल के साथ मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे सुबह सुबह की चाय बन रही है। कैमरा खोला तो मैंने अपना फेस देखा, थोड़ी सी अजीब दिख रही थी, और याद आया कि रात में पतिदेव बोल रहे थे कि तुम्हारा सिंदूर फैल करके ऐसा लग रहा है कि खून भरी मांग हो गई हो तुम। तो मुझे याद आया और अचानक से मुझे हंसी आ गई, तो मैंने अपना सिंदूर चेक किया। तो गर्मी में ना ये लाल वाला जो सिंदूर है ना, मेरा एकदम फैल जाता है और पसीना बन करके टपकने लगता है। तो यहाँ पे सुबह वाली चाय बन रही है जो पी करके हम लोग फ्रेश महसूस करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने दोनों पति पत्नी के लिए चाय लेकर के जा रही हूँ। आप लोग भी आ सकते हैं हमारे यहाँ चाय पीने के लिए सुबह सुबह की। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं आ गई थी, ये कुर्ती मैंने डाल लिया था क्योंकि रात में मैं टी शर्ट डाल ली थी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और किचन में तो काम करते समय मतलब एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज खोला कि सब्ज़ी क्या बनाया जाए। तो अभी मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ और मेरा ब्लॉग भी उतना नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमारे घर में मेडिकल इशू चल रहा है जिसके कारण हम लोग थोड़ा परेशान हैं। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, जब हमारा काम सफल हो जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो फ्रिज खोला तो मैंने देखा कि सारी सब्जियां तो आई हैं, लेकिन ये सब्ज़ी मेरे पति देव लाना भूलते नहीं हैं, ये अरबी जो उनका मतलब फेवरेट है। और सारी सब्ज़ी आ जाएंगी लेकिन ये नहीं आएगा तो हो नहीं सकता है कि ये नहीं आए। तो मुझे एकदम मतलब कभी कभी ना अजीब लगता है क्योंकि इसको काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हाथ में खुजली होने का मतलब डर रहता है। तो सबसे पहले मैंने भिंडी का भुजिया बनाया था अपने देवर जी के लिए, और हमारे देवर जी अभी हॉस्पिटल में हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती हूँ। और आज हमारी देवरानी आ रही हैं, तो यहाँ पे देखिए अरबी की मस्त सब्ज़ी बन गई है और ये भिंडी का भुजिया बन गया है, और आलू का भुजिया काट करके मैंने रखा हुआ है क्योंकि हॉस्पिटल में भी खाना भेजना है। और फटाफट से मैं आटा गूंथ रही हूँ, और इसी में थोड़ा सा समय निकाल करके मैंने थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग अपना शूट किया था। और बच्चे भी मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब तक हमारी देवरानी आ गई और एक अच्छी सी स्माइल के साथ हमारी देवरानी जी का एंट्री हुआ। और अभी हम लोग पूरा परिवार इकट्ठा होने वाले हैं, पापा भी आए हैं, और आप लोगों से बाद में मैं सब शेयर करूंगी। ये हमारे छोटे शैतान आ गए हैं और खाना मेरा बन ही गया है। तो सबसे पहले किचन में ही हम लोग जाते हैं, किचन में क्या हो रहा है। और ये हमारी गांव की कामवाली दीदी लाडू दी जो हमारा मतलब हेल्प कराती हैं। उसके बाद खाना बना, नाश्ता करके हम लोग तैयार हुए, तैयार होकर के हम निकल गए। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब चीज़ बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। और ये पटना का दीघा पुल, और गंगा जी में पानी पूरा मतलब बढ़ गया है, आप लोग देख सकते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से।